कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तेज और हल्की बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। रात गए शहर में तेज बारिश से गलियां और सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी हैं। सदर गुरु मंदिर, जमशेद रोड, एमेजिना रोड समेत कायदाबाद, लांडी, शाह लतीफ टाउन, मेमनकोट, गुलशन हदीद समेत दीगर इलाकों में तेज बारिश से सड़कों पर पानी जमा हो गया। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 13 अगस्त तक वक्फे वक्फे से बारिश का इम्कान है। मूसलाधार बारिश के बायस कराची, ठट्टा, बदीन, हैदराबाद, दादू, जामशोरो, सक्कर, लाड़काना, शहीद बेनजीराबाद और मीरपुर खास में नशेबी इलाके जेरे आब आने का अंदेशा है, जबकि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों के बरसाती नालों और मकामी नदी नालों में तुगयानी का खतरा है। आज मजीद बारिश का इम्कान है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तेज और हल्की बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। रात गए शहर में तेज बारिश से गलियां और सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी हैं। सदर गुरु मंदिर, जमशेद रोड, एमेजिना रोड समेत कायदाबाद, लांडी, शाह लतीफ टाउन, मेमनकोट, गुलशन हदीद समेत दीगर इलाकों में तेज बारिश से सड़कों पर पानी जमा हो गया। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 13 अगस्त तक वक्फे वक्फे से बारिश का इम्कान है। मूसलाधार बारिश के बायस कराची, ठट्टा, बदीन, हैदराबाद, दादू, जामशोरो, सक्कर, लाड़काना, शहीद बेनजीराबाद और मीरपुर खास में नशेबी इलाके जेरे आब आने का अंदेशा है, जबकि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों के बरसाती नालों और मकामी नदी नालों में तुगयानी का खतरा है। आज मजीद बारिश का इम्कान है।